अबे भैंचो क्या हो बे कमरे में, पूरा दिन पड़े रहे मैं, जा जाकर घास लिया, पानी लगेगा। अब इसके बाद कोई काम नहीं है, घर पे ही जाते टांगे उठा दूंगा टांगे। अगर टांग उठाने से फुर्सत मिल गई हो तो टंकी उठा लो, पड़ोसी ने चार स्प्रे लगा दिए हैं, फसल खत्म होने को तैयार है। बक बहनचोद बुड्ढा तेरी मां। ऐसी औलाद मजा ना स्वाद। अरे भैया चाय फाय दे दो, चले खेत पे, 4:30 बज गए हैं। इसे कहाँ ले जा रहा है तू? अरे इसका काम ना है तो छोड़ाऊं? अरे फार्म भराई कर ले। अरे बेटे हम कुछ नहीं करने के, तू एक काम कर, तू बिल की चाबी हमें दे, हम करेंगे भराई, तू लुवाई दे। ना बापू, अम्मा यहाँ ना रहने का। अरे तुम दोनों कहीं मत जाओ। पापा जी, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? अरे ये तो फिर से हाथ पकड़ने को बोल रही है। बहू मैंने ऐसे पकड़ा हाथ। बुड्ढे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तो अपने बेटे के सामने इस कदर अटल लगवाऊंगी ना। अरे बेबी 76 होता है। हाँ वो 76 लगवाऊंगी, तुझे ससुर होने में अफसोस होगा। बेटे देख रहे यार कैसे चाचा बोल रही है, स्वाद नहीं है इसकी जीभ में। बापूजी अब इसका फैसला तो पंचायत ही करेगी। बेटे ऐसा मैंने कौन सा कांड कर दिया जो पंचायत फैसला करेगी? कांड? भाड़ू बुड्ढे तूने दिन दहाड़े मेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया और ऊपर से मजा ना लेने दे दिया मुझे। फैसला तो पंचायत ही में होगा, एक नंबर का छिनरा आदमी है। मैं छिनरा हूं या नहीं अब तो वो पंचायत फैसला करेगी। हाँ चलो पंचायत में चलो। सरपंच जी कहाँ है? अरे अरे कॉल लगा तू, बोलो कि मैं आया हूँ। ओहो फिर तो भाई साहब तुम लोग कार से आए होगे। अरे भाई साहब कार कहाँ, शॉर्टकट रास्ते से पैदल आए हैं। अरे भाई साहब फिर तो तुम पे जमीन अच्छी खासी होगी। अरे भाई साहब एक मकान है वो भी बाप के नाम है। फिर अकड़ किस बात की दिखा रहा है भाड़ू? शांति से खड़ा रहा वरना काले मतलब काले रंग के बाउंसर से यहीं फेंकवा दूंगा। देखत क्या हो, निकाले भी हाल कट्टा। बस कुछ ही देर जा रही है, सरपंच जी आते होंगे। सरपंच जी आ गए, सरपंच जी आ गए। आ गए तो दूध पी ले जाके। हाँ गोटेलाल कैसे आना हुआ? सरपंच जी गोटेलाल अब बताओ बेटे। अरे सरपंच जी मेरे इस लड़के की हाल ही में शादी हुई है। हाँ खो गए? हो गया। अरे नहीं तो यार मैं तो यहीं हूँ। हाँ गोटेलाल फिर तो साहब ये दोनों कमरे में मौज ले रहे थे, मैंने इससे काम की क्या कह दी, ये झाटू अपनी बीवी को लेके चल दिया। तो साहब इसको मैंने रुकने को क्या बोल दिया, ये झाटू रुकने को तैयार नहीं है। हाँ भाई ये सब क्या है? अरे तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम इसके साथ समय बिताओ,
और भैया ना बिता पा रहे हो तो तुम मुझे बताओ, मैं बैठा यहाँ पे। अरे बेटे मैं समस्या की बात कर रहा हूँ, अगर समस्या हो कोई उसकी बात कर रहा हूँ। अरे सरपंच जी इसी बात की तो दिक्कत है, जैसे तैसे मैं निशाने लगा पाता हूँ, और ये बुड्ढा बोलता है कभी टांग उठा के पड़ा है कभी खुद उठा हुआ पड़ा है, अब बता तो मैं क्या करूँ। अरे ये तो गलत बात है घोटेलाल, उसकी तो उम्र है टांग उठाने की, तो वो उठा रहा पर तुमसे क्यों नहीं रहा जा रहा। और ये देखो साले ने झांसी बात के लिए पंचायत बैठलवा ली। सरपंच जी मैं तो इसमें छत्तर लगवाऊंगी। छत्तर लगवाओगी? अबे इसने ऐसा कौन सा कांड कर दिया छत्तर लगवाएगी? अपने जवान लड़के सामने मेरा हाथ पकड़ दिया अब फीलिंग्स दे रहा है। अरे घोटेलाल तूने अपने लड़के की बहू का हाथ कैसे पकड़ा? सरपंच जी ऐसे पकड़ा मैंने हाथ। अरे घोटेलाल इसमें हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी, पकड़ना था तो कुछ और ही पकड़ लेता। अरे मेरा मतलब पैर ही पकड़ लेता। सारे मुंहचोदी जवाबों और गवाहों को सुनते हुए, पर सरपंच जी यहाँ गवाह तो कोई है ही नहीं। सरपंच जी मैं हूँ तो गवाह। सारे मुंहचोदी जवाबों और गवाहों को सुनते हुए पंचायत ने यह फैसला लिया है कि घोटेलाल एक महीने तक अपने लौंडे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि भैया उसकी नई नई शादी हुई है उसे तू डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे उसके मौज लेने के देना मौज लेने दे। सरपंच जी पुरानी पंचायत को आज तक ना भूले, तुम जैसे सरपंच मेरे आंट पकड़ के झूले। अरे जब तक है सरपंच घर घर में जलेंगे चूल्हे, और तुम जैसे घोटेलाल मेरे आगे झूला झूले। बहन का बाप मारू। अरे सरपंच आप, तुझे क्या लगा फिर से आ गया तेरा बाप? अरे सरपंच जी तुम्हें कैसे? अरे बेटा वो तो मैं ये देखने आया था कहीं घोटेलाल तो टांग उठाए ना पड़ा, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी टांग उठा दी। अब छोड़ भी देना ला। अरे भैया आप तो बिल्कुल बच गया मैं, पर ना ये मेरा क्या करता है, ये तो मेरी खाली जानती। निकल लो भैया।